जो दान लेने वाले लोग हैं उनको दान लेकर उसमें से भी कुछ दान कर देना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह जनित जो पाप है उसकी शुद्धि उस धन में से जब तक दान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। इसलिए यह बताया गया है कि सामान्य रूप से आपके पास जो धन आया उसके तीन भाग करना चाहिए, एक भाग धर्म के लिए, एक भाग वृद्धि के लिए और एक भाग अपने उपयोग के लिए रखना चाहिए। एक भाग पूंजी बना देना चाहिए कि भाई इससे हम और बढ़ाएंगे, एक भाग धर्म कार्य करेंगे जिससे यश बढ़ेगा और एक भाग अपने लिए, अपने अपने में ही अपने भी आ गए, स्वयं के लिए और अपनों के लिए। तो ऐसे तीन भाग कर दे, तीन भाग करके जो व्यक्ति धन का उपयोग करता है उसको कभी समस्या नहीं आती, क्योंकि धर्म से उसका यश बढ़ा रहता है और जिसका यश बढ़ा रहता है आवश्यकता पड़ने पर समाज के लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए यश की बड़ी आवश्यकता होती है, जिसका जितना बड़ा यश होता है उसके लिए उतने लोग जरूरत पड़ने पर खड़े हो जाते हैं, तो उसका काम चल जाता है बिना धन संपत्ति के भी। इसलिए तीन भाग करके उसका प्रयोग करना चाहिए। जो खेती से पैदा किया हुआ धन है उसका दसवां अंश दान कर देना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है, क्योंकि खेती में बड़ा पाप होता है, बहुत से जीवों की हिंसा होती है। और जो व्यापार किया गया, व्यापार से जो लाभ आपको मिला है उसका छठवां भाग दान करना चाहिए, क्योंकि खेती से कम पाप उसमें होता है। और इसी तरह से जो ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुआ धन है उसका चौथा अंश 4% ब्राह्मणों को भी दान कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो अशुद्धि होगी वो इस दान से दूर हो जाएगी। अगर किसी को अकस्मात कोई धन मिल जाए, गड़ा हुआ धन निकल गया, किसी ने अचानक ला करके आपको दे दिया, किसी ने वसीयत कर दी और आपको अचानक पता चला कि सारी संपत्ति हमको, तो अचानक जो धन आपको मिलता है उसमें दोष बहुत हो सकते हैं, इसलिए उसकी शुद्धि के लिए उसका 50% तो कम से कम दूसरे को दे ही देना चाहिए, तब वो सफल होता है। ये बताया गया है कि अगर दूषित दान मिल जाए जिसमें आपको पता हो कि अच्छा पैसा नहीं है तो फिर उसका दान भी नहीं करना चाहिए, उपभोग भी नहीं होगा और दान भी नहीं होगा, उसको ले जा करके समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो जहां जाएगा वहां पर दोषी उत्पन्न करेगा। आपके यहाँ आएगा तो आपका, जिसको दिया उसके यहाँ, तो किसी को दुखी करने की जरूरत क्या है, ऐसा धन नाश के ही योग्य होता है। अपनी समृद्धि के अनुसार ब्राह्मणों को बुला करके दान देना चाहिए, अगर मांगने पर दिया जाता है तो उसका फल आधा हो जाता है, और मांगे जाने पर भी ना दिया जाए तब तो वो कर्जा हो जाता है, आगे जन्म में चल के उसका ऋण चुकाना पड़ता है। इसलिए दान वो है कि हम स्वयं बुला करके दे दें, महाराज जी ये स्वीकार करिए, तब वो दान कहा जाता है। और इसी तरह से व्यक्ति को चाहिए कि दूसरे के दोषों को ना तो देखे और ना तो सुने और ना प्रकट करे, ऐसी कोई बात अपने मुंह से ना बोले जिस जो किसी के कलेजे में लग जाए, चोट पहुंच जाए, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धर्मात्मा कहलाता है, वो भगवान शिव को बहुत पसंद है।